नहीं ठीक है आपको नजर आ रहा है मोड़ना से सो so, आज हम अपना हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं सो वी विल बी स्टार्टिंग विद एंशियंट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट विल डिस्कस इज पीरियडाइजेशन ड्यूरिंग द एंशंट हिस्ट्री ठीक है सो वी वॉट वी डिस्कस टूमोरो वॉज दैट वी विल बी स्टार्टिंग आर एंशंट हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन एज पीरियड वी हैव टू गो टू द बेसिक ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स कहाँ से ओरिजिन किस टाइम पे हुआ रीजन पे हमें उतना फोकस नहीं करना है कि किस कॉन्टिनेंट से हुआ बट वील बी फोकसिंग ऑन कि वट वॉज द टाइम पीरियड फ्रॉम विच वी विल बी स्टार्टिंग आर डिस्कशन अबाउट हिस्ट्री ना यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट वेन वी टॉक अबाउट द स्टोन एज पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली मैन अर्ली मैन की बात हम कर रहे हैं जिसने अभी सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ सुनी भी नहीं है क्योंकि ही इज राइट नाउ फोकसिंग हिज एंटायर इंटेलैक्ट ऑन गैदरिंग फूड उसका प्राइमरी प्राइमरी एक्टिविटी जो अर्ली मैन की है वो क्या है अपने लिए खाना जमा करना हंटर गैदरर है वो वो हंट करता है वो खाना गैदर करता है और शाम को ला के खाता है उसका मेन फोकस ऑफ लाइफ यही है इसीलिए अभी आप देखोगे हम जब इनिशियली बात करते हैं अर्ली मैन पीरियड की वी डू नॉट टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज़ वी डू नॉट टॉक अबाउट एनी कल्चर्स वी डू नॉट टॉक अबाउट एनी सिविलाइजेशन वाई बिकॉज दिस पीरियड ड्यूरिंग द स्टोन एज पीरियड

थिक पीरियड और इसको और क्या कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड इसका क्या है फाइव लाख बीसी से टेन थाउजेंड बी हम होमो हम होमोसेपियंस के ओरिजिन से भी पहले की बात कर रहे हैं ओल्ड स्टोन एज का ये टाइम पीरियड है ठीक है पेलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज पीरियड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेलियोलिथिक एज इज फाइव लाख बी से टेन थाउजेंड बी यू कैन इमेजिन हम कितने पुराने पीरियड की बात कर रहे हैं ठीक है अब यह पेलियोलिथिक जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फेजेस इस पेलियोलिथिक के भी तीन फेजेस हैं। पहला अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फाइव लाख बी सी से फिफ्टी थाउजेंड बी सी अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फाइव लाख बी सी से टिलयोर फिफ्टी थाउजेंड बी सी नेक्स्ट इज मिडिल पेलियोलिथिक मिडिल पेलियोलिथिक मिडिल पेलियोलिथिक आप एक चार्ट बनाओ ना पेलियोलिथिक उसके नीचे ये तीन फेजेस आगे इसका टाइम पीरियड ताकि वो आपको देख पढ़ने में आसानी हो मिडिल पेलियोलिथिक 50,000 बीसी टू 40,000 बीसी एंड द लास्ट फेज इज अपर पेलियोलिथिक अपर पेलियोलिथिक अपर पेलियोलिथिक फ्रॉम फोर्टी थाउजेंड टू टेन थाउजेंड बीसी फोर्टी थाउजेंड टू टेन थाउजेंड बीसी फोर्टी थाउजेंड टू टेन थाउजेंड बी सी इसके ये है आपका पेलियोलिथिक पीरियड यही वो पीरियड है जिसमें हम क्या क्या देखेंगे द ओल्ड स्टोन एज योर क्लाइमेट चेंज ये आइस एज वाले पीरियड से हम शुरू कर रहे हैं आइस एज पीरियड से हम शुरू कर रहे हैं सो क्लाइमेट चेंज भी हम इसी पीरियड में देखेंगे और हम इस पीरियड में क्या देखेंगे कमिंग ऑफ द होमोसेपियन होमोसेपियन हम हैं जो आज का इंसान है इसका नाम साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन ये होमोसेपियन भी इसी पेलियोलिथिक पीरियड में आता है ठीक है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है अभी हम आइस एज से थोड़े से क्लाइमेट चेंज के बाद थोड़े से ग्री टूवर्ड्स अ ग्रीनर वर्ल्ड वी विल बी मूविंग इन दिस पेलियोलिथिक पीरियड ओनली इसके बाद जो अगली एज आती है दैट इज मीसोलिथिक Mesolithic Age. Now, Mesolithic Age is 9000 BC to 4000 BC. 9000 BC to 4000 BC. Also known as Stone Age. अब अगर नाम याद ना रहे ये याद रखो लिथिक हमेशा किस चीज़ को रेफर करता है स्टोन को लिथिक मीन्स स्टोन सो जहाँ पे भी लिथिक आएगा वो स्टोन एज है अब ओल्ड uh, है न्यू है कौन सी है सिर्फ वो याद रखना है लिथिक ऑलवेज़ रेफर्स टू समथिंग विद रिलेटेड रिलेटेड टू योर स्टोन्स इसके बाद जो नेक्स्ट एज आपकी आती है वो है नियोलिथिक नियोलिथिक ऑल्सो नोन एज नियो से न्यू स्टोन स्टोनेज न्यू स्टोन स्टोनेज टाइम पीरियड इज 5000 थाउजेंड बी सी एटीन हंड्रेड बी सी अब हम थोड़ा सा नजदीक नजदीक पहुंचने लगे जहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हिस्ट्री का है सो so, नियोलिथिक 5000 थाउजेंड टू एटीन हंड्रेड बी सी दिस इज द टाइम पीरियड वेन द हंटर गैदर सेटल्स डाउन ये टाइम है जब हंटिंग गैदरिंग से वो सेटल होने लगता है कौन इंसान अर्ली मैन स्टोन एज ही है अभी लेकिन अब वो हंटर गैदर नहीं रहा हंटिंग गैदरिंग भी करेगा वो लेकिन नाउ ही इज़ सेटल्ड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर अब उसे एग्रीकल्चर की नॉलेज आ गई है नाउ ही इज ग्रोइंग हिज ओन फूड ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन हंटिंग गैदरिंग ही इज ग्रोइंग हिज ओन फूड ये सारी एजेस हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ तक क्लियर हो गया नेक्स्ट इज योर कहा रखा चालकोलिथिक एटीन हंड्रेड बी सी एटीन हंड्रेड थाउजेंड बी सी ठीक है सो दिस इज द टाइम वेन द मैन इज मूविंग टूअर्ड्स मेटल्स अब हम पत्थर के इस्तेमाल से एक्सक्लूसिवली डिपेंड बींग डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूजिंग मेटल्स इस पीरियड में हम मेटलर्जी की इंफॉर्मेशन भी इंसान को पता चल गई है और हम मेटल्स की तरफ जा रहे हैं इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है स्टोन कॉपर एज ठीक है अगला इसके बाद अगला पीरियड कौन सा आ जाता है आपका आई वी सी ये क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2900 बीसी से 1700 बीसी अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन ही मुझे पूछा कि भाई ये टाइम पीरियड तो चालकोलिथिक में भी है तो हम इसको अलग से क्यों देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा वाई आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम पीरियड बट वी आर रेफरिंग टू अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टूगेदर हम क्यों ये एक अलग एंटिटी की बात कर रहे हैं जब टाइम पीरियड चालकोलिथिक वाला भी अराउंड यही है वो तो हो चुका है अगर आप थोड़ा सा जो आप लोगों ने लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें हमने पहली बार क्या यूज़ किया है सिविलाइजेशन पहली बार जो हमने वर्ड सिविलाइजेशन का यूज़ किया है वॉट डज़ इट डिनोट इट डिनोट्स कि ये वो टाइम है या ये वो लोग हैं जो सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है ये वो लोग हैं जो अब हंटर गैदरर प्रमिटिव मैन अर्ली मैन के स्टेज से आगे निकल के एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं दैट इज़ वाई वेन वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और विल बी टेकिंग अप इंडस वैली सिविलाइजेशन वी विल भी डिस्कसिंग डिफरेंट इशूज़ एज कम्पेयर टू योर अर्लियर एजेस एज कंपेयर टू योर अर्लियर पीरियडस हमने जो बात करनी है अर्ली मैन की इन पेलियोलिथिक न्योलिथिक उसके इशूज़ और इनके इशूज़ अलग हैं यहाँ जब हम बात करेंगे यहाँ हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे यहाँ हम लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ हम लिटरेचर की इकोनॉमी की ट्रेड की बात करेंगे बिजनेस की बात करेंगे यहाँ हम सोसाइटी के सेटअप की बात करेंगे पॉइंट क्या है कि ये एक सिविलाइजेशन है ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं कि जब ये है तब चाइलकोलिथिक नहीं है या कोई और पीरियड नहीं चल रहा है मैंने आप लोगों को कल भी बताया था दीज गो सैमल्टेनियसली सो वाइल वील बी हैविंग सम चार्कोलिथिक कल्चर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री इंडस के साथ साथ इंडस के आस पास हमारे पास ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होगी सो दे गो साइमल्टेनियसली विद ईच अदर दैट इज़ वाई उस बाकी एरियाज को पढ़ने के लिए वी विल भी टॉकिंग अबाउट द स्टोन कॉपरेज ये हम एज अ सिविलाइजेशन पढ़ेंगे सिविलाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यू नीड टू हैव अ लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट आपके पास लिखने का स्क्रिप्ट है आपके पास एक स्टेब्लिश्ड लैंग्वेज है तो आप एक सिविलाइजेशन बन सकते हो इसके बाद वाला पीरियड जो है इसके बाद नेक्स्ट पीरियड इज वेदिक पीरियड फिफ्टीन हंड्रेड B.C. टू सिक्स हंड्रेड बी सी अब आप फिर से देखो द यूज ऑफ द वर्ड्स दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कह सकते या इसको इंडस वैली पीरियड नहीं कह सकते ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये वेदिक पीरियड है क्यों यहां पे हमारे पास स्क्रिप्ट है यहां पे हमें लिखी हुई चीजें मिल रही इवन दो

वहाँ से हमारे पास किताबें हैं इस पीरियड की सो हाउ इज़ इट पॉसिबल ये इस तरह से पॉसिबल है कि हमें वैदिक पीरियड का जितना भी लिटरेचर मिलता है दैट इज़ ओरल लिटरेचर वो इस पीरियड में लिखा ही नहीं गया क्योंकि इस पीरियड में स्क्रिप्ट ही नहीं है इस पीरियड में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आता है सो so जितना भी लिटरेचर इस पीरियड से हमें मिलता है दैट इज़ ओरल ट्रेडिशन मैंने याद किया आपको सुनाया आपने अगली जेनरेशन को सुनाया उसने अगली जेनरेशन को सुनाया इस तरह से इस पीरियड का जितना भी लिटरेचर है जितना भी वैदिक लिटरेचर है वो उस तरह से आगे आगे चलता रहा है कब तक जब तक उसे एक रिटर्न फॉर्म नहीं मिल जाता है सो so, ये तभी सिविलाइजेशन है ये और साथ ही ये खाली सिविलाइजेशन नहीं है अर्बन सिविलाइजेशन है हम यहाँ पे टाउन्स की बात कर रहे हैं कॉन्ट्ररी टू दिस इवन दो ये पीरियड इसके बाद आता है लेकिन ये सिविल ना ये सिविलाइजेशन है और ना ही ये अर्बन सेंटर्स हैं यहाँ हम टाउन्स की बात नहीं करेंगे ये टिपिकली रूरल सेटलमेंट्स हैं हम लफ्ज़ों पे ध्यान देना अर्बन टाउन्स सिविलाइजेशन रूरल सेटलमेंट्स समझ आया आगे चलें ये हम एक एक करके अभी सारे डिस्कस करेंगे ये नहीं कि बस इतनी इन्फॉर्मेशन है इसकी टेकिंग अप ऑल these वन बाय वन इसके बाद हमारे पास आता है प्री मॉरियन सिक्स सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी बीसी प्री मॉरियन एज मॉरियन एज से पहले की एज वैदिक पीरियड के बाद और मॉरियन एज से पहले की एज इसके बाद आ जाती है आपकी मौरन हाँ हाँ इसको पीरियड और एज का ज़्यादा इशू नहीं है लेकिन सिविलाइजेशन और पीरियड या सिविलाइजेशन और एज में हमें कंफ्यूजन नहीं करना है इसके बाद आ जाती है मौरियन एज 326 बीसी से 184 बीसी लिख लिया पोस्ट मॉरियन पोस्ट मॉरियन 200 हंड्रेड बी सी 200 B.C. से 300 A.D. Finally we फाइनली वी A.D. इसके बाद गुप्ता एज फोर्थ सेंचुरी ए डी से सिक्स्थ सेंचुरी ए डी गुप्ता एज लिख लिया उसके बाद वी हैव एज ऑफ हर्षा एज ऑफ हर्षा एज ऑफ किंग हर्षा एज ऑफ किंग हर्षा इसका टाइम पीरियड क्या आ जाता है 606 एडी 606 एडी टू 647 एडी टू 647 एडी सो द मोस्ट इरीटेटिंग थिंग दट यू विल बी फेसिंग इन दिस क्लासिज आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा लिखोगे तो ही समझोगे ठीक है क्योंकि साइंटिफिक दो वी हैव टू गो थ्रू दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी टेक्निकल मैनर तब जाके समझ आएगा बट ये साइंस नहीं है कि मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ और आप वो अगले छः चैप्टर्स पे लगा लोगे यहाँ पे हर चैप्टर में हर टॉपिक में नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसलिए सबसे इरिटेटिंग चीज़ इस क्लास की ये है कि कभी थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी और लिखना बहुत ज़्यादा है इसलिए हाथ के मसल्स को अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी अनादर इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों के पास कॉपीज कौन सी हैं अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट राइटिंग ऑन प्लेन शीट्स रूल्ड कॉपी को छोड़ के प्लेन शीट्स पर लिखना शुरू करो बिकॉज वेन यू विल बी अपेयरिंग इन योर मेन्स एग्जामिनेशन वहाँ पर आपको प्लेन शीट पर लिखना है वहाँ पे रूल्ड शीट्स नहीं मिलेंगे सो so, ऐसा ना हो कि आप एक लाइन में पहाड़ पे चढ़ रहे हो और दूसरी लाइन में पहाड़ से उतर रहे हो वैसा आंसर लिखा तो श्योर शॉर्ट क्या होगा क्या होगा फेलियर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन नहीं होने वाली है क्योंकि आप मेन्स के पेपर में ड्राॅइंग बना के आ जाओगे लिखने के बजाय सो प्लेन शीट्स पर लिखा करो जैसे कि ये वाला प्लेन शीट है ताकि स्ट्रेट लिखने की और स्पेस यूटिलाइजेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए यहां तक क्लियर हो गया पीरियडाइजेशन नाउ विल बी टेकिंग अप ऑल दीज पीरियड्स ऑल दीज एजेस वन बाय वन सो विल बी स्टार्टिंग विद योर पेलियो लिथिकोलिथिक फेज या एज बोल लो फेज बोल लो पीरियड बोल लो एक ही बात है लिख लेते ताकिजन ना होल्ड स्टोनेज नाउ वेन वी टॉक अबाउट द स्टोनेज पीरियड वी डिवाइड दिस एंटायर स्टोनेज वेदर इट इज ओल्ड स्टोनेज और न्यू स्टोनेज ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोन टूल्स दैट द अर्ली मैन यूज किस तरह के स्टोन टूल्स यूज होते थे हम उसके बेसिस पे इस पूरे पीरियड को डिवाइड करते हैं बिकॉज दिस इज़ द पीरियड वेयर स्टोन इज द बेसिक मटीरियल दैट द अर्ली मैन इज यूजिंग वेदर इट इज़ फॉर हंटिंग वेदर इट इज़ फॉर कटिंग और ही इज़ ऑल्सो स्टेइंग इन द किसमें किस में रह रहा है वो नेचुरल केव्स सो ही स्टेइंग इन द केव्स अगेन मेड अप ऑफ स्टोन्स ही इज़ यूजिंग स्टोन्स टू हंट ही इज़ टू यूजिंग स्टोन्स टू कट ही इज़ यूजिंग स्टोन एज द बेसिक मटीरियल ऑफ़ टूल्स जितने भी टूल्स हैं वो पत्थर के बने हैं सो नेचुरली ये वो पीरियड है जहाँ पे अर्ली मैन वुड भी लिविंग नीयर टू दोर्स ऑफ स्टोन्स या तो वो किसी बड़े दरिया के किनारे पर होगा जहाँ पे उसे पत्थर आसानी से मिल जाए या किसी पहाड़ी के नज़दीक होगा जहाँ पे उसे केव भी मिले रहने के लिए और सो स्टोन एज अ रिसोर्स भी ईजीली अवेलेबल हो दैट इज़ वाई वेन वी टॉक अबाउट दिस पीरियड वी डो नॉट सी मैनी सेटलमेंट्स इन द प्लेन्स हमें प्लेन्स में सेटलमेंट्स नहीं मिलती हैं आज अगर हम हिंदुस्तान को देखें इफ़ यू टॉक अबाउट टूडेज़ इंडिया द मोस्ट पॉपुलस एरिया इन इंडिया इज़ द गंगा प्लेन्स जितना भी प्लेन्स वाला इलाका है वो सबसे पॉपुलेटेड है सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है क्यों क्योंकि आज का रिसोर्स ज़मीन है प्लेन जमीन आज का रिसोर्स है क्योंकि हम प्लेन जमीन पे फसल उगा सकते हैं वी कैन डू एग्रीकल्चर ऑन अ प्लेन बट वी कैन नॉट डू एग्रीकल्चर ऑन अ हिलॉक हम पहाड़ी पे जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते सो so, आज वो इलाका हमारे लिए रिसोर्स नहीं है आज हमारे लिए रिसोर्स क्या है प्लेन्स इसीलिए इस टाइम पे प्लेन्स में आपको सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगी इस टाइम पे आपको जितनी भी सेटलमेंट्स मिलेंगी पहाड़ी इलाकों पे मिलेंगी पानी के सोर्स के पास मिलेंगी क्योंकि पानी भी चाहिए दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या हैं पानी और स्टोन स्टोन क्यों क्योंकि आपको वो यूज़ करना है एज अ टूल आगे जाके आप आग भी जलाओगे पत्थर को ही यूज़ करके सो दिस इज द टाइम पीरियड वेन वी सी द मैन मूविंग अराउंड वैन वी सी द मैन सेटलिंग डाउन इन डिफरेंट एरियाज गोइंग अराउंड हंटिंग गैदरिंग फूड एंड स्टेइंग इन केव्स अगर ज़मीन के एवोल्यूशन की बात की जाए जमीन एक प्लानट की अगर हम बात करें ये इवॉल्व हुई है और मिलियंस ऑफ ईयर्स ये प्लानट इवॉल्व हुआ है सो so इसके एवोल्यूशन को जियोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है।, है जो आज स्टेज है अर्थ के एवोल्यूशन का इसको होलोसिन कहते हैं आज के टाइम पर लिखते जाओ आज के टाइम को होलोसिन कहा जाता है एच ओ एल ओ सी ई एन ई जिस स्टेज पे हम जी रहे हैं जिस स्टेज पे हम जमीन पे रह रहे हैं इसको होलोसिन कहा जाता है किस किस हिसाब से द एवोल्यूशन एच ओ एल ओ सी ई एन ई

ओ सी ई एन ई सो होलोसिन इज द प्रेजेंट स्टेज और इससे पहले का जो मोस्ट रिसेंट था प्लेस्टोसिन यही प्लेस्टोसिन है जिसमें हमें आपका पेलियोलिथिक एज जो है वो मिलता है सो योर पेलियोलिथिक एज एज पर द एवोल्यूशन ऑफ दिस प्लानट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्लेस्टोसिन ठीक है ये था थोड़ा सा जोग्राफिकल एवोल्यूशन अर्थ का और इसमें जो इंसान के सेटलमेंट होने की एज हमें मिलती है दैट इज़ योर ओल्ड स्टोन एज पेली थी अगर समझ नहीं आया दस बार पूछ लेना मुझसे लेकिन प्लीज़ पूछ लेना ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ठीक है कल भी मैंने बताया था इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है नहीं समझ आ रहा है पूछो फिर से समझ नहीं आया मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन ये टाइम है आप मुझसे जितना कुछ निकाल सकते हो जितना मुझसे शेयर कर सकते हो करो सो so, Paleolithic age is divided into Paleolithic age is divided into three phases Paleolithic age is divided into three phases according to the According to the Nature of the stone tools, according to the nature of the stone tools used by the people, used by the people, full stop. These stone tools, these stone tools have been discovered have been discovered throughout the country have been discovered throughout the country except throughout the country except the alluvial plains except the alluvial plains of इंडस गंगा एंड यमुना full stop the old stone age the old stone age Developed in India, developed in India in the Pleistocene period, in the Pleistocene period, in the Pleistocene period of the Ice Age. Full stop. इसके अगले पैराग्राफ में लिखो मैन इज सेड टू हैव अपेयर्ड मैन इज सेड टू हैव अपेयर्ड मैन इज सेड टू हैव अपेयर्ड ऑन द अर्थ ऑन द अर्थ इन अर्ली प्लस टू सीन इन अर्ली प्लस टू सीन वैन ट्रू ऑक्स वैन ट्रू ऑक्स ट्रू एलिफेंट एंड हॉर्स आर सेट टू हैव ओरिजिनेटेड आर सेट टू हैव ओरिजिनेटेड यहां तक अभी कोई कन्फ्यूजन हैव ओरिजिनेटेड अभी तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को आगे चलें कोई सवाल समझ आ रहा है सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इसका जो पहला है दैट इज योर अर्ली सो योर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फेज अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फेज अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फेज इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द टाइम पीरियड ऑफ दिस फेज द टाइम पीरियड ऑफ दिस फेज इज फाइव लाख बी सी टू फिफ्टी थाउजेंड बी सी फाइव लाख बी सी टू फिफ्टी थाउजेंड बी सी Next point. During this phase, during this phase, the early man used the early man used hand cleavers, choppers. एंड एक्सेस और ये सारी किस चीज की बनी है पत्थर की अब ये स्टोन टूल्स यूज किस किस चीज के लिए हो रहे हैं और चॉपिंग करने के लिए जो हंट करके लाया उसको काटने के लिए कट करने के लिए कुछ अगर खोद के रूट्स निकालनी है उस उस चीज़ के लिए ये टूल्स यूज हो रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी इतनी है। अभी हम स्टोन टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं बहुत क्रूड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा मेन प्राइमरी फोकस ना रिलीजन है ना सोसाइटी है ना लैंग्वेज है एक ही फोकस है कि भाई पेट भरना है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द मेन साइट्स द मेन ये वाले लिख लिए ना टूल्स द मेन साइट्स फ्रॉम दिस पीरियड द मेन साइट्स फ्रॉम दिस पीरियड हैव बीन फाउंड हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ इन द वैली ऑफ In the valley of River Sone in the valley of River Sone in the valley of River Sone, comma Kashmir Kashmir, comma, Thar Desert Thar Desert, comma मिर्ज़ापुर इन यूपी एमेजॉन वाला मिर्ज़ापुर नहीं मिर्ज़ापुर इन यूपी कॉमा नर्मदा वैली नर्मदा वैली And Caves and Rock Shelters Caves and Rock Shelters of Beam Baitka of Beam Baitka near भोपाल ये नाम अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये साइट आपके पूरे स्टोन एज में बहुत इम्पॉटेंट है ना सिर्फ एक अर्ली साइट होने की वजह से बट हमारे कल्चर का जब हम पार्ट शुरू करेंगे उसमें भी ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये नाम अच्छी तरह दिमाग में छपा दो सो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास काम भी बेसिक ही हो रहे हैं टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं और इसके मेजर साइट्स कौन कौन से हैं